हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे लूनर इक्लिप्सेस एंड सोलर इक्लिप्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड हर एक क्वेश्चन का हम आंसर बहुत ही इजी तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखो एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस चैनल पर इसी टाइप की वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, व्हाई लूनर इक्लिप्सेस डज नॉट टेक्स प्लेस एट एवरी फुल मून। तो जैसे कि 2013 एंड 18 में भी आया था, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो आंसर लिखेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ तक देखिए, द लूनर इक्लिप्सेस डज नॉट टेक्स प्लेस एट एवरी फुल मून बिकॉज द मून ऑर्बिट इज इंक्लाइंट विथ रेस्पेक्ट टू द इलिप्टिक। ओके, इसका जो मून का जो एंगल होती है, इंक्लाइंट मींस एंगल, इंक्लाइंट हो रहा है इलेप्टिक और इलेप्टिक एंगल से। ओके, तो ऐसे सबको ध्यान से देखना। तो इसको हम और इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम लिखेंगे, द लूनर इक्लिप्स डज नॉट टेक्स प्लेस एट एवरी फुल मून बिकॉज क्या है, यहाँ से देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज द मून ऑर्बिट इज इंक्लाइंट इंक्लाइन टू अर्थ ऑर्बिट एट एन एंगल क्या है, यहाँ से 5 डिग्री एंगल। तो ऐसे से आपको हमेशा याद रखना, 5 डिग्री एंगल से इंक्लाइंट होगा। ओके, ड्यू टू दिस इंक्लाइनेशन द मून इज पोजिशन, यहाँ पे पोजिशन ऑफ ऑपोजिशन, ये दोनों चीज़ को आपको याद रखना ही होगा। ऑपोजिशन में भी पासेस थ्रो द फार एबोव और फार बिलो। ओके, फार बिलो द प्लेन ऑफ द इलेप्टिक। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया। तो नाउ देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सोलर इक्लिप्स का। तो देखिए, व्हाई सोलर इक्लिप्स डज नॉट टेक्स प्लेस एट एवरी फुल मून। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, रीजन क्या है, रीजन यहाँ से देखिए, सोलर इक्लिप्स डज नॉट टेक्स प्लेस एट एवरी फुल मून बिकॉज द मून ऑर्बिट यहाँ से इंक्लाइंट एज 5 डिग्री, यहाँ तक सेम, बट डिफरेंस क्या है, यहाँ से यहाँ तक, ड्यू टू दिस इंक्लाइनेशन द मून इज कंजंक्शन, ये चीज आपको, कंजंक्शन ओनली फॉर डिफरेंस बिटवीन लूनर इक्लिप्स। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान से देखना। एंड इट मे बी पासेस थ्रू फार अबव और फार बिलो द प्लैनेट ऑफ द इलेप्टिक। तो यहाँ तक आंसर हो गया। तो इस वीडियो हम यहीं तक एंड कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इसका बाद जो क्वेश्चन होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।